हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिकेडी पियानो केवाईसी एंड दिस इज तन्मय। तो आज की वीडियो आप थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे किस पे है, फिर भी बता रहा हूँ। हमारे मोबाइल में जो ट्रांसपेरेंट केस या जो ट्रांसपेरेंट कवर लगते हैं उसके बारे में है। तो पहली बात है कि मोबाइल में जो ट्रांसपेरेंट कवर लगता है वो 100% ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, वो सिर्फ 99% ट्रांसपेरेंट होता है। 1% लाइट वो खुद में ऑब्जर्व कर लेती है, इसलिए आपको मोबाइल में आपके जो कलर्स होते हैं मोबाइल के कलर, वो जो ब्लैक होगा वो स्लाइट डिप ब्लू दिखा जाएगा। तो इस तरह होता है। और आज का टॉपिक है कि हम उसे कैसे साफ करें, दोबारा से नए जैसा करें। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दरअसल कुछ लोगों को क्या होता है कि जो आपका जो कवर है वो एक पॉलीमर प्लास्टिक होता है। जो पॉलीमर प्लास्टिक होता है वो एक बार गंदा होने के बाद साफ होने में बहुत वक्त लगता है। और वक्त मतलब आप किसी भी चीज़ से उसे साफ़ करेंगे तो वो बहुत वक्त लगेगा और वो आसानी से साफ नहीं होता है। पॉलीमर प्लास्टिक से क्या होता है कि जो वो हीट या सनलाइट के ऑब्जेक्ट में आता है तो वो उन दोनों को अब्जॉर्ब कर लेता है। आप अगर मोबाइल बाहर लेकर जाते हैं तो आपके पॉकेट में हो तो मोबाइल में सनलाइट गिरता है, उससे मोबाइल हीट होता है, तो उसका कवर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यही जाहिर सी बात है कि सनलाइट और हीट से वो जो कवर होता है वो गंदा हो जाता है। गंदा तो हम उसे नहीं कहते हैं क्योंकि वो गंदा तो थोड़ी ना होता है, उसका जो कवर का जो साइड होते हैं उसमें हीट ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं, तो इसीलिए वो साइड ज़्यादा गंदे होते हैं। और ट्रांसपेरेंट केस अगर हमारे हाथ बजते हैं इसलिए वो ठंडा हो जाता है। तो उसका मेन रीज़न है कि हमारा जो हीट होता है और जो हमारा मोबाइल से हीट निकलता है, हमारे एटमॉस्फेयर का हीट होता है, सनलाइट गिरता है वगैरह वगैरह, इस सब के वजह से वो पीला पड़ जाता है। अभी हमारा टॉपिक अब चेंज हुआ है कि हम उसे कैसे साफ करें। तो पहली बात तो ये है कि कोई भी इंसान उसे घर पे साफ नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। और कोई भी बायोडिग्रेडेबल ना होने वाले प्लास्टिक को आप लोग घर पे साफ नहीं कर सकते। दूसरी बात, उसे साफ कैसे करें? उसे साफ करने के लिए आपको फॉर्मिक एसिड की आवश्यकता होती है, जो कि बिकाऊ नहीं है, यानी वो दुकान में बिक्री नहीं होती है। फॉर्मिक एसिड आपको कहीं से भी नहीं मिल सकता है। तो जाहिर सी बात है अगर ये एक बार गंदा हो गया तो आप इसे दोबारा साफ नहीं कर सकते। अब हम ये बात समझेंगे कि ये जो ट्रांसपेरेंट केस होता है इसे हम कैसे साफ से साफ रख सकते हैं, मतलब जो पीला होने से कैसे बचाए रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि आप लोगों को जो आपका मोबाइल है उसे कम से कम हीट में रखना होगा और 8-10 दिन में निकाल कर उसे जो हमारे पेट्रोल होते हैं पेट्रोल में 1-2 ड्रॉप पेट्रोल डालकर उसे अच्छे से साफ करना होता है। तो इस तरह से आपका एक कवर पीला पड़ने के लिए 1 साल टाइम लेगा। अगर आप उसे हीट में रखोगे, साफ सुथरा नहीं करोगे, 2-3 महीना होगा। तो ये जो वीडियो में आपने जिस जो कुछ देखा जो कुछ सुना, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।